Good afternoon, girls. We will begin our today's presentations. And first, we will start with Mamta. Yes, ma'am. Ma'am, screen show ho rahi hai? Yes, yes, beta. Yes, ma'am. Good morning, class. Good morning, all my dear friends. My topic is National Education Day. National Education Day. मौलाना अबुल कलाम आजाद 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्मृति में मनाया जाता है। 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती होने के कारण 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजादी समाज एक सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और एक विद्वान ही नहीं थे, बल्कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक देश की सेवा की। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 11 सितंबर 2008 को घोषणा की थी भारत के इस महान बेटे मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिन को मनाने का फैसला लिया। मानव विकास मंत्रालय ने कहा 2008 से 11 नवंबर को हर साल बिना छुट्टी घोषित किए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद का शिक्षा में योगदान। आजाद जी अपने कार्यकाल के दौरान में पूरी शिक्षा और साहित्य में अनुसंधान को बढ़ावा दिया और ललित कलाओं को विकसित करने के लिए 3 व्यवसायों की स्थापना की। उन्होंने बड़े पैमाने पर हिंदी में तकनीकी शब्दों के समापन पर भी कार्य करना शुरू किया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, खड़गपुर उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग शामिल है। आजाद ने महिलाओं के लिए शिक्षा और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत की। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का महत्व। देश में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में मौलाना अबुल कलाम आजाद का समृद्ध योगदान है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का मानना था एक शिक्षित समाज से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। उनकी शिक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान के कारण यह घोषणा की गई थी कि इस दिन का अवकाश नहीं रखा गया है। इस दिन स्कूलों में सेमिनार, निबंध प्रतियोगिता, रैली आदि होती है। उन्होंने शिक्षा के लिए IIT, UGC आदि शिक्षा के महत्वपूर्ण संस्थानों का निर्माण किया। थैंक यू मैम। अ गुड एफर्ट ममता, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। नाउ प्रिया यादव, प्रिया आर यू? थैंक यू मैम। Yes, Priya, what is the problem? Priya? Rehana, you start the presentation now. Okay, ma'am. We are not able to hear the sound, Beta.
Rehana, is there any music with it? मैम साउंड ऑडिबल था मैम? नहीं बेटा, साउंड नहीं आ रहा था, वो सिर्फ क्लिपिंग्स आ रही थी, साउंड नहीं था। ओके मैम, मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ। डिवाइस का शेयर ऑडियो ऑप्शन को पहले ऑन करो। यहाँ पे आपने वीडियो बनाया है, वहाँ एक शेयर ऑडियो ऑप्शन होगा। यस मैम, किया था मैम मैंने। दोबारा ट्राई करिए। ट्राई कर लीजिए। ओके मैम। Ma'am, is it audible? Yes, it is audible now. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for your effort. Next, we have Riya Nigam. Riya, you can start your presentation. Riya, are you there? Riya, can you hear me? Are you there? Okay, we'll move on to Ronika Lyle. Ronika? Ma'am, can I present? Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Please present. Start presenting. Yes, ma'am.
Good afternoon, teachers and my fellow classmates. Today I am presenting a PowerPoint presentation on National Education Day. National Education Day is an annual observance in India to commemorate. Commemorate means to recall or to show respect the birth anniversary of Maulana Azad, which is observed on 11th November in India to honor Maulana Abul Kalam's birthday, who was the first education minister of independent India, who served from 1947 till 1958. Now, we will see what is the history of National Education Day and how it came into existence. On 11th of November 2008, the HRD announced to commemorate the birthday of the great person by recalling the contributions of Abul Kalam Azad in the field of education by celebrating 11th November as National Education Day. And then since 2008, every year in India, National Education Day is celebrated, but without declaring it as a national holiday. Now, its significance and how it is celebrated. Every year, 11th of November is celebrated in schools by conducting various interesting and informative seminars, symposia, essay writing, rallies, etc. Students along with teachers came together to talk about the importance of literacy and the nation's commitment to all aspects of education. National Education Day is also considered as a tribute to the great contributions made by Maulana Abul Azad in the field of the education system of independent India. Now we will see who was Abul Kalam Azad, his personal history. He was born on 11th November 1888. His birthplace was Makkah, Saudi Arabia. His parents' name was Muhammad Khairuddin and Alia Muhammad Khairuddin. His spouse was Zuleika Begum. He has no children. He was self-taught and homeschooled. He was in association with INC. He led the Indian Nationalist Movement. His political ideology was liberalism, right-winged egalitarian. He was the follower of Islam. Some of his famous publications was Gubar-e-Khatir, India Wins Freedom. He took his last breath on 22 February 1958. His memorial place was New Delhi, India. So basically, Abul Kalam Ghulam Muhaddin Ahmad bin Khairuddin Al-Husseini Azad was an Indian scholar, Islamic theologian, independence activist, and a senior leader of the INC during the Indian Nationalist Movement. Now, some of his remarkable contributions was he earned fame through his work as a generalist, staunching supporting Indian nationalism, criticizing British and supporting secularism through Al Hila newspaper. He played a pivotal role in several important movements like Khilafat movement, a non-cooperation movement, and championing the cause of Hindu-Muslim unity. A strong advocate of compulsory education for children up to 14 years of age. A key member who was involved in the formation of the Indian Constitution, he is also credited for the establishing the foundations of IIT, AICTE, Sahitya Academy, and also for the advising the creation of UGC. He is also the founder of the Jamia Millia Islamia University and health portfolios of natural resources and scientific Now, the theme behind National Education Day of 2008, this deliberation
Good effort, Ronika. Now we have the next presentation by Sandhya Gautam. Yes, ma'am. You can start your presentation. Okay, ma'am. Ma'am, meri screen show rahi hai. Yes. Ma'am, meri screen. Yes, yes. गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई क्लासमेट्स. राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से अपने विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका मुख्य उद्देश्य यह जानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों, किस लिए और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है. राष्ट्रीय शिक्षा दिवस. दिल से दी गई शिक्षा समाज में क्रांति ला सकती है. यह पंक्ति हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी द्वारा दी गई है. भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती को हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2020 की थीम कौशल जागरूकता और सशक्तिकरण रखी गई. देश केवल लोगों में कौशल विकास को विकसित करना है. नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इतिहास. वैधानिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का प्रारंभ 11 नवंबर 2008 से किया गया है. यह दिवस भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है. मौलाना अबुल कलाम आजाद जी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी एक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 11 नवंबर 1988 को मक्का उस्मानी साम्राज्य में हुआ. मौलाना अबुल कलाम आजाद जी न सिर्फ एक सुधारक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि वह एक कवि, पत्रकार और क्रांतिकारी भी थे. उनकी माँ अरबी बोलती थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी थे. 13 वर्ष की आयु में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का विवाह जुलेखा बेगम से हुआ. मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई. इसके अलावा उन्होंने गणित, इतिहास तथा दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा प्राप्त की. भारत की आजादी के बाद भी महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर भी रहे. मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की शिक्षा उन्हें एक दफातर बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया. पत्रकार के रूप में उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था. क्रांतिकारी के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने सन 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को भी खारिज किया. मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने खिलाफत आंदोलन और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया. मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का शिक्षा में विशेष महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो इस प्रकार से है. उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया. मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है. इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने शिक्षा और संस्कृत को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जिनमें से
संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954, ललित कला अकादमी 1954 में स्थापित हुई। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने सरकार से केंद्र और राज्य दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का महत्व। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में छात्र और शिक्षक साक्षरता के महत्व और शिक्षा के सभी पहलुओं पर राष्ट्र की प्रतिबद्धता पर बात करने के लिए एक साथ आते हैं, जिसमें छात्र और शिक्षक शिक्षा के नवीन तौर तरीकों के बारे में विचार विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाने से छात्र और शिक्षक दोनों ही शिक्षा के प्रति प्रेरित होते हैं और अपने जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है यह भी जानते हैं। इस प्रकार हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाया जाता है, जिससे समाज में शिक्षा के महत्व को लोग जाने और शिक्षा के प्रति प्रेरित और जागरूक रहें। धन्यवाद। थैंक यू संध्या, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट संजना लॉरेंस। संजना, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। यस मैम, एम आई ऑडिबल? Ma'am, is my screen visible? No. No, not now. Yes. Ma'am, now? Yes. Yes. Good afternoon, teachers and my fellow classmates. Today, I will be presenting on the topic of National Education Day. What is National Education Day? India observes the National Education Day every day on 11th November since the year 2008 to commemorate the birth anniversary of Maulana Abdul Kalam Azad. Azad was independent India's first education minister. Now let me talk about Maulana Abdul Kalam Azad. His original name was Abdul Kalam Ghulam Muhyiddin, and also known as Maulana Abdul Kalam Azad or Maulana Azad. He was born on 11th November 1888 in Mecca, now in Saudi Arabia, and died on 22nd of February 1958 in New Delhi. The Ministry of Human Resource Development announced on September 11, 2008, the ministry has decided to commemorate the birthday of this great son of India by recalling his contribution to the cause of education in India. Azad is credited with shaping modern education system of India. It was under his tenure that the first IIT, IISc School of Planning and Agriculture and the University Grants Commission was established.
Now let me talk about his contributions. He also played a crucial role in the development of the Indian Institute of Science, Bangalore, and the faculty of the Delhi University. He was even awarded with the Bharat Ratna in 1992 for his contribution as a freedom fighter and educationist. He was also responsible for setting up of University Grants Commission in 1953, and he emphasized the setting up of Indian Institute of Science, or IISc, as I said, in Bangalore. But by far, his largest contribution to the country were the Indian Institutes of Technology. It was under his leadership that the first IIT, IIT Kharagpur, was set up in 1951. Now, I would conclude my presentation by saying the words said by him: the light of knowledge is strong enough to brighten the darkest recesses of humanity, said by Maulana Abdul Kalam Azad. Thank you, ma'am. Thank you so much, Sanjana. It was a nice presentation. Now we complete for today's presentation. And tomorrow, all the rest of the girls who and the girls who have not been able to do it today, like Priya and Ria Negam, ma'am, you will do it, ma'am. Tomorrow. Ma'am. Sorry, don't worry. Sorry, ma'am. Thank you. Hello. Thank you for your presentation, ma'am. Mirash. Have a nice day. Thank you.